इस वीडियो में हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं से महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में आते हैं और ख़ास करके जो छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको जानना आवश्यक है। तो आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा होगा, इसमें हमने कई वीडियो में बताया है कि इसमें जो है कौन सी रेखा अक्षांश और कौन सी रेखा देशांतर है, ठीक है। तो इसको हम नहीं बताने वाले हैं, हम डायरेक्ट अपने पर्सन पर पहुँचेंगे जिसके बारे में हमको इसमें समझना है, ठीक है। ये वाली रेखा जो है ऐसे, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आई है यानी उत्तर से दक्षिण वाली रेखा, इसको कहा जाता है देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये तो हो गई रेखाओं की बात। अब हम लोग इसमें दो पर्सन देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर जो है कितने अक्षांश रेखाएँ और कितने देशांतर रेखाएँ हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं के दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है या दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होती है, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया कि ये वाली रेखा जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ ये जो रेखा सब खींची गई है इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये जो ऊपर से ऐसे रेखा आई है इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। अब हम अक्षांश रेखाओं की बात करें कि जो है पृथ्वी पर टोटल कितनी अक्षांश रेखाएँ हैं। ये रेखाएँ एक काल्पनिक हैं, ऐसे पृथ्वी पर रेखा खींची नहीं गई है, समय को जो है जानने के लिए ऐसे काल्पनिक रूप से मान लिया गया है। तो ये मत सोचिएगा कि इस तरह की रेखा जो हमारी पृथ्वी पर हर जगह खींची गई होगी, ठीक है। ये केवल एक काल्पनिक रेखा है, इसको जो है समय को जानने के लिए बना लिया गया, मान लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारी जो रेखा है अक्षांश रेखा, ठीक है। इसकी बात किया जाए तो ये वाली बीच वाली रेखा जो होती है ये होती है भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो इस रेखा के जो है ऊपर वाले भाग में इधर जो हमारे टोटल 90 जो है अक्षांश रेखाएं हैं, उसके अलावा इधर नीचे भी टोटल 90 अक्षांश रेखाएं हैं और एक ये रेखा, ठीक है। यानी कि 90 ऊपर और 90 नीचे, टोटल हो गए 180 और एक ये बीच वाली रेखा 181, ठीक है। लेकिन ऊपर जो है हमारी यानी इधर जो हमारे 90 रेखा हैं और इधर, इसमें एक एक जो है ध्रुव की भी अक्षांश रेखा माना गया, ठीक है। लेकिन उसको कुछ किताब में जो है पॉइंट के रूप में माना गया, इसलिए उसको जो है इसमें काउंट नहीं किया गया है, और कुछ बुक में जो है इसको काउंट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आप डाउट में मत रहिएगा। कहीं कहीं इसका जो है आपको दिखेगा 179 टोटल जो है अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका जो एक अक्षांश रेखा ध्रुव वाली इधर और एक इधर वाली, इसको छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि उसको पॉइंट मान लिया है, बहुत छोटी रेखा होती है। लेकिन टोटल अगर देखेंगे आप तो 90 इधर आपकी होगी और 90 इधर और एक ये बीच वाली, टोटल हो गई आपकी 181, ठीक है। लेकिन एक इसमें से 90 में से एक माइनस इधर कर दिया, एक माइनस ये जो एक एक है ये ध्रुव वाली रेखा है जो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए इसको अक्षांश रेखा ना मानकर एक पॉइंट मान लिया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा हो जाएगा 179, ठीक है, टोटल अक्षांश रेखा है। अब बात कर लेते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो है हमारी दूरी कितनी है। जैसे एक अक्षांश रेखा ये है, एक ये है, इसके बीच की दूरी देखा जाए तो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। उसी तरह से इधर देखेंगे तो इसमें भी 111 किलोमीटर का जो है दूरी होता है। अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा, ठीक है, ये हमारी देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा की बात किया जाए तो टोटल जो हमारी पृथ्वी पर है 360, ठीक है, ये तो सिंपल है 360। अब इसके बीच की दूरी की बात किया जाए तो ये रेखा जो हमारी है देशांतर रेखा है, इनकी बीच की दूरी देखा जाए तो ये वाली जो है बीच वाली भूमध्य रेखा है, इसको जानते होंगे, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी की बात किया जाए तो ये विषुवत रेखा जो है यहाँ पे जो है इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमारी है 111.32 किमी, ठीक है, यानी कि 111.32 किलोमीटर का दूरी है। अब ऐसा क्यों हम बता रहे हैं कि विषुवत रेखा पर, क्योंकि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है ऐसे यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ नीचे जो आके ये जो है नज़दीक हो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ बीच में जो है चौड़ाई
काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर जाके ये लोग जो है बिल्कुल करीब हो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए विषुवत रेखा की बात की गई है कि विषुवत रेखा पर जो है इनके दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111.32 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ ऊपर देखेंगे तो ऊपर देखेंगे ऐसे आके नज़दीक हो जा रही तो वहाँ पे जो है दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये विषुवत रेखा पर बताया गया कि विषुवत रेखा पर जो है इनके बीच की दूरी जो है 111.32 होगा, देशांतर रेखाओं की बात हो रही है, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर थी, ठीक है।